प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल व पार्टी के नेता सक्रिय हो रहे हैं। कुछ दिन पहले बीकानेर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक बार फिर यहां पहुंचे और पूनिया ने भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित कोडीवाला चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ बैठकर चर्चा की। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की अक्षुण्णता में भारत की सेना और भारत की पैरामिलिट्री का बड़ा योगदान है। भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए ऐसे हमारे संस्थान हैं जिन्होंने जिनकी एक बड़ी शहादत की परंपरा भी रही है और आज वो विश्व के उत्कृष्ट संस्थानों में हैं, संसाधन के नाते और शौर्य के नाते। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये बीएसएफ का मोटो है और आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से और उनके अपील से, उनके आह्वान से हमें इस कोडेवाला पोस्ट के दर्शन करने का सौभाग्य मिला यहाँ के अधिकारियों से और जवानों से। इस दौरान पूनिया ने ग्रामीणों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं को जाना। बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में आसपास के किसानों को भी इस तरीके की जो डिमांड है वो पूरे राजस्थान के जहां सरसों की खेती हुई है बहुत सारी जगह वहां बहुत ज्यादा सर्दी के कारण पाले कारण, पर तकलीफ की बात यह है कि गिरदावरी के लिए और उसके बाद यहां जिस गांव में रात को चौपाल की तो 18 का क्लेम भी अभी तक लोगों। साथ ही बीच रास्ते पर गाड़ी रोककर ऊंट गाड़ी पर बैठकर चले और पशुपालकों से संवाद भी किया। इसको भी रेट के चीट की तकलीफ है, यानी सुदूर गांव का व्यक्ति भी जो बेरोजगारी और रेट की चीट जो पेपर लीकेज है उसकी तकलीफ। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पूनिया यहां पहुंचे हैं, इससे पहले भी पूनिया यहां आ चुके हैं। खैर, चुनाव नजदीक है तो मेल जोल बढ़ाना अब पार्टियों के लिए जरूरी हो चला है। बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।